ओके शूट कर रही हूँ मैं आपको। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू निशाज रेनबो। कैसे हैं आप लोग? होप सो सब अच्छे होंगे, सब बहुत खुश होंगे और रहना भी है, पॉजिटिव रहना है ना। चलिए आज है, आज स्पेशल डे है हम लोगों के यहाँ और आज है 13 मई। तो आज है पतिदेव का हैप्पी वाला बर्थडे। तो हम लोगों ने रात में विश कर दिया था, सुबह उठ के भी विश कर दिया और आज मेरी मॉर्निंग हुई है 9:30 बजे। क्योंकि ना दो पिछली रात से, मतलब परसों वाली रात ना, रात में मुझे प्रॉपर नींद नहीं आई और उसके बाद सुबह भी नींद खुल गई। मतलब जैसे लग रहा था ना कि रात में देर तक नींद नहीं आई तो मैं देर तक सो लूँ, लेकिन वो हो नहीं पाया, नींद आ ही नहीं रही थी बिस्तर पर लेटने के बावजूद। फिर उठी मैं, घर के सारे काम निपटाए। ये हुआ कि शाम को दोपहर में खाना खाने के बाद मैं सो जाऊंगी, हस्बैंड भी ऑफिस चले गए तो वो बोल के गए कि सो जाना एक आध घंटे। और ये हमारे छोटे नवाब आ गए हैं, उनके बाल देखे कटने वाले हो रहे हैं। सी गुड मॉर्निंग, ए उल्लू कहीं का उल्लू ना रहे, गर्मी लग रही है। चलो एसी नहीं चल रहा है क्या? हस्बैंड बोल के तो गए थे कि सो जाना, बट क्या हुआ कि नहीं सो पाई यार। नींद क्या है, सोचती रही कि अब ये काम निपटा लूँ तब सोती हूँ, ये काम निपटा लूँ, और ये करते करते 5:30 बजे हस्बैंड वापस आ गया ऑफिस से। तो जब चाय पानी में लग गई तो नींद नहीं पूरी हुई। और इस वजह से ना शाम को, अब पता नहीं इस वजह से या किस वजह से, भगवान जाने, हम लोग तो बाहर कहीं भी निकल नहीं रहे हैं, बट ना थोड़ा सा मेरे गले में कल शाम से हैवीनेस, जैसे होता नहीं कि आपको जुकाम होने वाली हो या खांसी, तो गला थोड़ा हैवी जाता है, तो वैसा लग रहा है। तो मैंने शाम को भी 2 बार गार्गल किया था और एक बारी शाम को चाय के बाद मैंने लिया था भाप और फिर रात में सोने के पहले लिया था। अभी उठी हूँ तो मतलब वो हैवीनेस तो चली गई है, बट थोड़ा सा इरिटेशन है, हल्की सी है। तो नमक और हल्दी लेकर के पानी रख दिया है पीछे, देखिए गर्म हो गया है। और अभी गार्गल करूँगी, फिर करूँगी मैं भाप लूँगी और भाप लूँगी नहाने के बाद। अभी मैं नहाई नहीं हूँ और क्योंकि आज बर्थडे है पतिदेव का तो मैंने राजमा भी खा लिया था शाम को। आ रही हूँ। बच्चे जिद कर रहे थे कि मम्मा आज तो केक बना दो, एनिवर्सरी पे नहीं बनाया था, बट मैं सोच रही हूँ, उस दिन भी सोचा था कि लड्डू बना लूँगी लेकिन नहीं बना पाई थी, तो आज सोच रही हूँ कि लड्डू बना लेती हूँ। क्या है, मैं लड्डू के कई फ़ायदे हैं। आप घर में मिठाई बनाते हैं ना तो उसके कई फ़ायदे हैं। एक तो आप उसको काफ़ी दिन तक खा सकते हैं, मतलब 2-4-10 दिन, हफ्ते भर, और आप भगवान जी को भी चढ़ा सकते हैं। केक का क्या है, आप उसको भगवान को तो चढ़ाते नहीं हैं और आशीर्वाद मिलता नहीं है, आप ऐसे ही खा के ख़त्म कर देते हो एक बार में, चाहे जितना केक जितना बड़ा बना लो, है ना। तो मैंने कहा देखो पिछले साल मैंने बनाया सबके लिए, बहुत बनाया, अब ना नहीं बनाऊँगी मैं केक। बहुत ऐसे कभी मन हुआ तो ऐसे कैजुअली बना लूँगी, बर्थडे के दिन उससे एक्सपेक्ट मत करना, ना बच्चा लो ना तुम लो, कोई भी नहीं। तो मैं लड्डू सोच रही हूँ बनाऊँ, पतिदेव को पसंद है मेरे नारियल के भी लड्डू और सूजी वाले रवा लड्डू, तो वो दोनों मेरे चैनल पे हैं ऑलरेडी। तो मैं देखती हूँ उन्हीं में से एक बनाऊँगी, क्योंकि ये बहुत इजी और बहुत जल्दी बनने वाले हैं और खाने में तो भाई क्या मज़ा आता है। तो वो मैं बनाऊँगी, भगवान जी को चढ़ाऊँगी। अभी मैंने ना सूजी का हलवा बना दिया और बाल मेरे ना शैम्पू करने वाले हो रहे हैं, बट आज नहीं करूँगी क्योंकि गले में हैवीनेस है, तो ऐसा ना हो कि जुकाम बढ़ जाए। तो चलिए फिर,
मिलती हूँ बाद में। मैं ना हमेशा जब भी राजमा या छोला उबालती हूँ तो थोड़ा सा उसमें हल्दी ज़रूर डाल देती हूँ और नमक। उससे क्या होता है, कलर बहुत अच्छा आ जाता है और नमक डालने से पूरा बहुत अच्छा सा टेस्ट पूरे में आ जाता है बॉईल होते होते ना। और अब मैं इसको चढ़ा देती हूँ चूल्हे पे। मैं गार्गल कर लेती हूँ। कल मैंने किचन का सेटअप थोड़ा सा चेंज किया है तो अपने आप को ही ना देखने में बड़ा अच्छा सा लग रहा है। इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी मिलाऊं क्योंकि बॉयल हो गया है बिल्कुल। तो दोस्तों गार्गल कर लिया है मैंने और थोड़ा सा ना मैं वो हल्दी नमक वाला पानी पी भी लेती हूँ। गर्म गर्म ना एकदम गर्म रहता है तो बड़ा अच्छा लग रहा था। फिर नहा के आती हूँ फटाफट। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और मैं मिल रही हूँ आप लोगों से शाम के टाइम, दोपहर में नहीं, मॉर्निंग में, जब मैं नहाने जा रही थी तब आप लोगों से मिली थी, ठीक है। और उसके बाद आने के बाद मैंने खाना बनाया और नाश्ता मैंने नहीं किया था, मैंने इन लोगों को बना के दे दिया था हलवा। नहा के आई हूँ तब मैंने थोड़ा सा हलवा लिया था, प्रसाद लिया था और उसके बाद फिर राजमा चावल में रोटी बना हुआ था और अभी बन गई है मेरी चाय। तो उसके बाद मैं सो गई थी। इनके पास फ़ोन आ रहे थे क्योंकि बर्थडे है तो विश करने के लिए सबके फ़ोन आ रहे, तो चाय मेरी ऑलमोस्ट तैयार है और इस समय भी इनकी बात चल रही है फ़ोन पे। और मैंने रात के डिनर के लिए निकाल के रखा है पनीर, ये फ्रोज़न वाले हैं तो कंट्री डिलाइट के मैं लेती हूँ, तो ये रखे हुए हैं मेरे पास। पनीर मेरे पास हमेशा थोड़ा सा स्पेयर में रहता ही है। मैं क्या करती हूँ ना, क्योंकि इसकी दूध की डिलीवरी आती है तो पहले तो मैं हफ्ते में 4 पैकेट्स मंगाती थी। अब कहीं आना जाना नहीं है, वर्कआउट नहीं है कहीं पे, कोई एक्सरसाइज मूवमेंट नहीं है, इसलिए मैंने हफ्ते में 1 पैकेट कर दिया है क्योंकि फिर ना उसका कंजम्पशन भी बढ़ाना पड़ रहा था। और उतना खाना हर बार तो हेल्दी नहीं होता ना, पनीर को कई बार उसमें हेल्दी वर्जन उसका बनाया बट कई बार तो बच्चे हैं ना नहीं खाते बिना ऑयली बिना मसाले वाला, तो वो नुकसान करता है, इसलिए मैंने कम कर दिया है अब मंगाना। अब 1 मंगाती हूँ, बस 1 पैकेट, और वो भी ज़रूरी नहीं कि हर हफ्ते बनाऊँ। और अभी मैं लौंग खा रही हूँ। सर जी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू वेरी मच। गुड इवनिंग अब्र, तो गुस्सा दिखाओ ना। अभी जो दिखा रहे थे कैमरा ऑन होते ही अब्र ने अपना गुस्सा करना बंद कर दिया, अभी तक खूब अच्छे से गुस्सा कर रहे थे। दिखा दो यार, सब लोग देखना चाहते हैं कि अब्र को जब गुस्सा आता है तो क्या होता है। जब मुझे गुस्सा आती है तब मैं स्टोव खोल कर लेता हूँ जहाँ पे होता हूँ मैं, तो दूध मेरा फिनिश हो जाएगा तब मुझे मेहरबाना था। ओके, शूट कर रही हूँ मैं आपको। चीयर्स। लग रहा मेरी चाय पहले फिनिश हो जाएगी। आपकी फिनिश हो गई क्या सर जी? यस। अब का तो रेनबो वाला है कप, कितना सुंदर है। बहुत गलत बात है, बहुत ना इंसाफी है मेरे साथ। अच्छा? मुझे पिद्दी कर दिया। हाँ।
अब इस बात का बदला लिया जाएगा और बरोबर लिया जाएगा। सर जी इनको पैर में जरा मेरी तरफ से गुदी गुदी कर दीजिए। एक कप कप गिर जाएगा। कप लाओ इधर दो मुझे। अब मेरी तरफ से गुदी गुदी करिए। दिमाग में कुछ हो रहा है, केमिकल लोचा हो रहा है दिमाग में। सही हो गया, गुस्सा गायब, क्या बात है। दूध पीने से हुआ? हाँ, दूध ने जाकर मेरे गुस्से को पीट पीट कर निकाल दिया। पीट 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 के गुस्से को निकाल दिया। ये तो बहुत अच्छा है यार। अब आपके जब गुस्सा आएगा तो आप दूध पिया करो, ओके। तो अच्छा ये बताओ आज पार्टी में क्या करने वाले हो? अब्र की आज पार्टी है, अब्र ने मुझे अपनी पार्टी में इनवाइट किया है। और उसमें जो मैं खाऊंगा वो। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग चाय वाय पी लिए हैं और मैंने बनाया है देखिए देसी केक। लड्डू बनाना था बट मैंने उसकी बर्फी जमा दी है और अब हम ये एज इट इज भगवान जी को चढ़ा देंगे, उसके बाद इसको काट लेंगे। तो देसी स्टाइल का केक है, नारियल का है बर्फी। अब इसका मैं काटूंगी क्योंकि लड्डू बनाने में ना फिर टाइम जाता है उसको बांधने में, तो इसलिए मैंने मल्टीपर्पज़ कर दिया है इसको कि केक काटने वाला जो एक फंडा होता है ना, तो मेरा मन ही नहीं हो रहा यार। पर बहुत पता नहीं क्यों, पिछले साल कई टाइप के मैंने केक ट्राई किए थे बट इस बार ना देखती हूँ बच्चों के बर्थडे पे शायद बनाऊँ, अभी तो नहीं बने हैं। तो ये मैं रख रही हूँ अभी थोड़ा सा, जब ये रूम टेम्परेचर पे, अभी गर्म गर्म है तो रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा, फिर हम लोग इसको काटेंगे, पहले भगवान जी को चढ़ाएंगे फिर काटेंगे फिर खाएंगे और टेस्ट बताएंगे। टेस्ट तो ऑब्वियसली यार यम्मी होने वाला है ना। तो अभी मैं फटाफट खाना बना लेती हूँ, खाना बना के उसके बाद भगवान जी को, जब तक ये भी नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा और उसके बाद हम केक काटते हैं आपके साथ, बर्फी काटते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पतिदेव को हम लोगों ने टीका करके उसके बाद सबने मिलके ये केक या बर्फी जो भी कह लीजिए काटा हम लोगों ने। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे डियर, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोगों ने केक खिला दिया और बताइएगा ये अगर आइडिया आपको पसंद आता है, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं हम लोग केक काटने में उतना विश्वास नहीं रखते, लेकिन इस तरीके से मैं आपको एक संदेश भी दे रही हूँ कि आप अपनी खुशियों को अपने भगवान को ज़रूर अर्पित करें, उसके बाद ही फिर उनको आगे बढ़ाई, क्योंकि ये हमारी परंपरा है। दोस्तों दिया बुझा करके और केक काटना पता नहीं मेरी पर्सनल चॉइस में नहीं है, तो कुछ यही एक रीज़न भी था कि मैंने केक नहीं बनाया, और बनाना आता है लेकिन फिर भी नहीं बनाया। तो आप बताइएगा आपका क्या विचार है। ये
देखिए फ्रेंड्स, मैंने अभी रात में इनका लड्डू बना दिया है, क्योंकि ना बर्फी में उतना अच्छे से कट नहीं रहा था, तो अभी ये लड्डू फॉर्म में ही आ गया है और अच्छा है, बिल्कुल बैलेंस पीसेस है, ना बहुत बड़े हैं ना बहुत छोटे हैं, तो एक बार में आप खा सकते हैं। बहुत डिलीशियस, बहुत टेस्टी बने हैं, खा तो लिया ही हम लोगों ने, तो मैंने सोचा आपके साथ इनका लड्डू भी शेयर कर दूँ। दोस्तों, तो आजकल इसी तरह से सेलिब्रेशन हो रहा है हर चीज़ का, घर में ही यथासंभव, है ना। तो वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिए, और पहली बार है चैनल पे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे पापा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।